प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण योजना हर घर जल जल जीवन योजना में महेश्वर तहसील में किए गए कार्यों में भारी अनियमितता की गई है। ग्राम मोयदा में लाखों करोड़ों रुपयों की राशि की लागत से होने वाले कार्य जमीनी स्तर पर केवल औपचारिकता पूर्ण ही नजर आ रहे हैं, जिससे शासन की करोड़ों की राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। ब्लॉक में किए गए कार्यों की अन्य विभाग ने जांच कराई है तो योजना की धरातल हकीकत चौंकाने वाली नजर आई है। योजना की जांच कर नियम विरुद्ध कार्य करने वाली एजेंसियों से राशि की वसूली के साथ ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी चीफ इंजीनियर विजय सिंह सोलंकी ने कहा कि ग्राम मोयदा में योजना की धरातल पर बारीकी से जांच करते हुए कार्यवाही की जाएगी। मोहल्ले में कहीं 6 इंच तो कहीं 1 इंच फिट गहरी लाइन डली हुई है, जबकि नियम अनुसार 1 मीटर से अधिक गहरी लाइन डालना थी। नियम अनुसार इलेक्ट्रोफ्यूजन सर्विस सैडल डालना थी। वाल खोलने में समस्या तो आती ही है और बारिश में वाल खराब होंगे। भारी अनियमितता की जानकारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के उपयंत्री वास्केल को करने के बाद भी अभी तक यहां कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवालिया निशान उठते दिखाई दे रहे हैं। ग्राम मोयदा में नियमानुसार कार्य नहीं किया गया है तो कार्य की जाँच कराकर संबंधित ठेकेदार से वसूली की कार्यवाही करते हुए ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। संबंधित अधिकारियों को भी नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। महेश्वर से जय खत्री।